हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना। स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि सबकी बहुत ही फेवरेट है और जिसे सब लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। और आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन, जिसे हम मार्केट जैसा घर पर ही तैयार कर सकते हैं और जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देर ना करते हुए चलिए वेज चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए हम सबसे पहले चाउमीन को उबाल लेंगे। और अब चाउमीन को उबालने के लिए हम गैस पर कढ़ाई रख के उसमें पानी डाल देंगे और जब पानी थोड़ा उबल जाएगा तब हम उसमें चाउमीन को ऐड करेंगे। देखिए, अब हम चाउमीन को पानी में डाल रहे हैं और हम चाउमीन को ठंडे पानी में नहीं डालेंगे। अगर हम चाउमीन को ठंडे पानी में डाल देंगे तो जो हमारी चाउमीन है वो खिली खिली नहीं बनेगी। और अब हम सारी चाउमीन को पानी में अच्छे से कर देंगे और हम चाउमीन को बीच बीच में से चेक करते रहेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि चाउमीन को हमें पूरा नहीं गलाना है, इसे सिर्फ 80% तक ही गलाना है। देखिए, अब हम बीच बीच में से चाउमीन को चेक करेंगे। देखिए, अब चाउमीन उबल चुकी है और अब मैं आपको इसे एक बार चेक करके बताऊंगी भी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी चाउमीन गल चुकी है। देखिए, हमारी चाउमीन सिर्फ टूटनी चाहिए जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी चाउमीन पक चुकी है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम चाउमीन को अच्छे से ड्रेन कर लेंगे और इसका सारा पानी है उसे निकाल देंगे। देखिए, हमारी चाउमीन ऐसे खिली खिली होनी चाहिए। और अब हम इसे ठंडा पानी डालकर या कोई नॉर्मल पानी भी डालकर इसे एक बार और वॉश कर देंगे ताकि जो इसका अंदर और स्टार्च है वो सारा एकदम से ख़त्म हो जाए और हमारी चाउमीन खिली खिली रहे। देखिए, ऐसे हमारी चाउमीन अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसे एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। चाउमीन को खिला खिला बनाने के लिए हमें इसमें थोड़ा तेल डालना है। अगर हम इसमें तेल नहीं डालेंगे तो हमारी चाउमीन थोड़ी चिपक चिपक कर बनेगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो हमारी चाउमीन है वो अलग अलग हो जाए। देखिए, ऐसे। और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तक हमारी चाउमीन ठंडी हो रही है तब तक हम इसकी सब्जियां देख लेते हैं। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, इन सबको हम लंबा लंबा काट लेंगे। और मैंने लिया है 2 चम्मच टमाटो केचप, 2 हरी मिर्च और 2-3 लहसुन की कली और 2 चम्मच हरी चटनी, काली मिर्च, नमक और 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच रेड चिली सॉस और थोड़ा सा अजीनोमोटो। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रखकर तेल डालकर उसे गरम कर कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इन्हें भी थोड़ा पका लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। याद रखें कि हमें सब्जियों को पूरा नहीं गलाना है, सिर्फ इसके मुलायम होने तक ही हम इन्हें पकाएंगे। देखिए, अब बीच बीच में से हम इसे चलाते रहेंगे और जब हमारे प्याज थोड़े पक जाएंगे तब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे, क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे हम थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे और इसे
चलाते रहेंगे। देखिए अब हमारी गाजर भी कुछ पक चुकी है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से हिला लेंगे। शिमला मिर्च को भी हमें पूरा नहीं पकाना है, इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक ही हम पकाएंगे। और जब थोड़ी शिमला मिर्च भी हमारी पक जाएगी तब हम इसके अंदर पत्ता गोभी भी डालेंगे और इसे भी अच्छे से हिला लेंगे और इसे भी हम थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए अब हमारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं और सबसे पहले अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे और इसके बाद सोया सॉस। इन्हें हम साथ साथ चलाते रहेंगे। अब हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से हिलाएंगे। और अब हम इसमें हरी चटनी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें चटनी को और भी डाल सकते हैं और रेड चिली सॉस डाल देंगे। जैसे कुछ लोग कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो वो मिर्ची की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से हिलाएंगे। और अब मैं इसमें अजीनोमोटो भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इन्हें अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो हमारी सारी सॉस है वो अच्छे से पक जाए। जैसा कि हम जानते हैं चाउमीन तो सबकी ही फेवरेट है, बच्चा हो चाहे बड़े हो, चाउमीन को हर कोई शौक से खाता है। और हम मार्केट जैसी चाउमीन को घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। जो हमने सॉस वगैरह डाली है वो अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसमें जो हमने चाउमीन ठंडी करी है उसे ऐड कर रहे हैं। देखिए अब हम चाउमीन को ऐड कर देंगे। देखिए हमारी चाउमीन खिली खिली लग रही है। और अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और आधा चम्मच काली मिर्च। अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करें तो आप काली मिर्च को बढ़ा भी सकते हैं। और इसे अच्छे से हिला लेंगे। गैस को हम हाई फ्लेम पर करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अब स्पून और जिस करछी से मैं बना रही हूँ उसके साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अब सारे मसाले चाउमीन पर अच्छे से लग चुके हैं। और अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हमारी चाउमीन बनकर तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितनी खिली खिली हमारी चाउमीन बनकर तैयार हुई है। और आप भी इस तरीके से चाउमीन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी चाउमीन, वो भी खिली खिली। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।